नमस्कार, आप सभी का स्टडी मेंटर पर स्वागत है। आज आप लोग का DSSB PRT की पेपर रही होगी। आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा गया हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सिलेक्शन भी हो। पेपर को मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि पेपर इतना आसान भी नहीं था, एवरेज आप कह सकते हैं। कुछ सेक्शन ऐसे थे जहाँ पे कि काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे और कुछ ठीक ठाक एवरेज थे या कहीं पर आसान भी था। तो ये कहना कि पूरी तरह से आसान है या पूरी तरह से बहुत टफ है, ये सही नहीं होगा। पेपर कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एवरेज था। कुछ कुछ सेक्शंस डिफ़िकल्ट ज़रूर थे, जैसे GS का सेक्शन काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस था, उसके क्वेश्चंस की जो स्टैंडर्ड थी वो काफ़ी बेहतर थी। समय जो है आप लोगों को कम मिला होगा डेफिनेटली, क्योंकि 100 मिनट लगभग रखिए, 120 मिनट कहने के लिए आपको 15-20 मिनट तो लग जाते हैं फॉर्म फिलअप साइन वगैरह में। तो 100 मिनट में आपने 200 क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। समय डेफिनेटली कम मिला होगा, जो टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर लिए होंगे या जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसे बेहतर ढंग से जिन्होंने कर लिया होगा उनका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो जो ये चीज़ें थी, GS की स्टैंडर्ड बहुत अच्छी थी, बाकी सेक्शंस की ठीक थी, एवरेज के आसपास रखी जा सकती है। कुल मिलाकर अगर हम कट ऑफ की बात करें कि यहाँ कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है, तो 115 के अराउंड में मुझे लग रहा है कि उसके आसपास रहना चाहिए, क्योंकि अभी 120-125 भी कुछ स्टूडेंट्स जैसा बात कर रहे थे सीटेट मेंटर ग्रुप में, तो ग्रुप में बात चल रही थी, तो 125 के आसपास भी कुछ लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन 125 जाएगा नहीं, क्योंकि अभी आप लोगों को 125 लग रहा है और जब आंसर की आएगा तो हो सकता है कि आपका मार्क्स जो है, जो आप 125 मान रहे हैं, वो गिरकर नीचे आ जाए। तो 125 के आसपास नहीं, 115-120 के आसपास मुझे लग रहा है कि उसके अराउंड में 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो उसी अनुसार से मुझे लग रहा है OBC में 105 के अराउंड में, 95 SC में और 85 के अराउंड में ST में, ठीक है, ये कट ऑफ हो सकता है। इसके आसपास रहने की ज़्यादा उम्मीद है, हो सकता है कुछ चढ़े या कुछ और नीचे आ जाए, तो पूरी तरह से कोई नहीं कर सकता। प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि आप अप्रॉक्स गेस कर रहे हैं कि उसके आसपास होना चाहिए। जैसा जब आप लोग शुरू किए थे तैयारी, या फिर मैं जब अदर्स जो आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहा था, तो वहाँ भी मैंने आपसे हमेशा ये बात कही थी कि आप 110 प्लस टारगेट रखें, उससे प्लस में जितना ज़्यादा आप करेंगे आपके सिलेक्शन की जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वहीं उसी के आसपास जो है कट ऑफ भी अभी जो सुनने में आ रहा है, 120 भी आ रहा है, 125 भी आ रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ 115-120 के आसपास होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी और बहुत नीचे भी नहीं जाएगी, क्योंकि पहले का अब समय नहीं है कि 80-85 अब कट ऑफ जाएगा, अब स्थितियाँ काफ़ी बदल गई हैं। तो ठीक है, इतना होना चाहिए इसी के आसपास, और नीचे जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो इसके साथ साथ जो बातें आ रही हैं ग्रुप में भी, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, अगर ज्वाइन नहीं किया आपने तो सीटेट मेंटर ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। नीचे मैंने कमेंट में लिंक दे दिया है, सीटेट मेंटर ग्रुप आप सर्च भी मारेंगे फेसबुक पर फॉर KBS NBS एंड DSSB, तो वो ग्रुप मिल जाएगा आपको। नीचे मैंने वैसे कमेंट में लिंक दे दिया है आपको, ठीक है। तो 5-7 नंबर का खराब डाउन रहेगा, ये हमने बात कर ली। क्वेश्चन के आउट होने के संदर्भ में भी न्यूज़ है कि क्वेश्चन पेपर आउट है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि फेसबुक पे आंसर की अवेलेबल थी वगैरह वगैरह, तो अभी ये ऑथेंटिक नहीं है पूरी तरह से, अभी ऐसे र्यूमर भी हो सकती है ये। जब तक कुछ ऑथेंटिक न्यूज़ DSSP के द्वारा नहीं दी जाती है तब तक आप इसे न मान के चले, ठीक है, अफवाहों से बचें, क्योंकि जब तक कुछ ऑथेंटिक नहीं होती है, मैं पहले भी आपसे कहता रहा हूँ कि जब तक ऑफिशियली जो है ऐसा कुछ अनाउंस नहीं हो, तो हल्ला करने से हमारे बहुत कुछ जो है आपस में र्यूमर फैलाने से कुछ नहीं होगा। वो जब तक प्रमाणिक अगर है, आपके पास सबूत है या कुछ ऐसी न्यूज़ है, तो आप ज़रूर इसके लिए सरकार से आवेदन कर सकते हैं या बातें कर सकते हैं DSSB से कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर जो है बाहर उपलब्ध थे या नहीं थे, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अभी आप अपना आंसर जो है चेक करें, अपने नोट से देखें या फिर गूगल पे जो सर्च मार सकते हैं उसे मिलाकर आप चेक कर लें, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगा कि 10-15 आदमी के आंसर किसे चेक कर रहे हैं, सभी के अलग अलग से चेक कर रहे हैं, इससे होगा क्या कि दिमाग पे लोड बढ़ेगा। एक सप्ताह वेट कीजिए, आंसर की आ जाएगी DSSB की, तो उससे आराम से चेक करके आप ग्रुप में जो है अपने मार्क्स पोस्ट करके सभी गेस कर लेंगे, तो उस समय के आसपास जो है, जब चूँकि 18-19 हज़ार मेंबर है ग्रुप में, तो वहाँ से बातें जो है ज़्यादा ऑथेंटिक निकल कर सामने आएगी हमारे, ठीक है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है धैर्य बना के रखें, और अगर पेपर ख़राब गया है तो ज़्यादा उदास नहीं हो, ये अंतिम मौका नहीं है जीवन का, बहुत सारे मौके अभी और मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उदास नहीं होना है, पेशेंस बना के रखें, पढ़ाई में कंटिन्यूटी बना के रखें, ठीक है।
चलिए हम लोग मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में, ठीक है? चलिए ठीक है, रखते हैं, नमस्कार।